Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in the 29th lecture of Machine Design and Drawing 2. And today we will discuss numerical number 3, layout of crossed leather belt drive transmitting 7.5 kW as shown in figure. Figure is given, we will draw it. Mass of the belt is 0.55 kg per meter length and the coefficient of friction is 0.3. कैलकुलेट बेल्ट टेंशन एंड लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द बेल्ट. तो डायग्राम दी है तो हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले यही पे. और ये प्रॉब्लम क्रॉस बेल्ट ड्राइव का है. अभी तक हमने जितनी प्रॉब्लम सॉल्व किए दो प्रॉब्लम वो ओपन बेल्ट ड्राइव के थे. क्रॉस बेल्ट में स्मॉलर पुली पहले दी है तो यहाँ पे एक स्मॉलर पुली है सेंटर पॉइंट और इसका सपोज एक्सिस एंड सपोज यहाँ पे है बिगर पुली स्मॉलर पुली का जो डायमीटर है वो 250 mm दिया है एंड बिगर पुली का डायमीटर है 500 mm. दोनों सेंटर का जो डिस्टेंस है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुली इज 1500 mm. एंड दी वन मोर थिंग इज गिवन दैट इज आरपीएम. सो एन इज 1000 आरपीएम. ये डायग्राम एक्चुअली दी है. अब ये क्रॉस बेल्ट है इसलिए आपके बेल्ट इसके बेल्ट कुछ ऐसे कनेक्टेड रहेंगे और ये जाएगा इधर. ओके नाउ ओके जो डाटा दिया सबसे पहले वो कलेक्ट करते हैं. लेआउट ऑफ क्रॉस लेदर बेल्ट ड्राइव ट्रांसमिटिंग 7.5 किलोवाट. तो पावर दिया है 7.5 × 10³ वैट. मास ऑफ बेल्ट इज मास दिया है 0.55 kg पर मीटर. ठीक है एक के पर मीटर के लिए 0.55 kg इस हिसाब से दिया है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू इक्वल टू 0.3. कैलकुलेट बेल्ट टेंशन मतलब T1 T2 निकालना है. अब देखो कैलकुलेट बेल्ट टेंशन एंड लेंथ विड्थ ऑफ द बेल्ट. तो लेंथ भी निकालनी है विड्थ निकालनी है बेल्ट टेंशन T1 T2 निकालनी है रादर TT1 और TT2 भी. मैक्सिमम बेल्ट टेंशन इन टाइट साइड एंड मैक्सिमम बेल्ट टेंशन इन स्लैक साइड ये सब कुछ पार्ट आपको निकालना है. सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को. तो डायग्राम के हिसाब से जो स्मॉलर पुली का डायमीटर है जिसको हम लिख सकते हैं D1 इज 250 mm एंड D2 इज कितना 500 mm. उसके बाद में x दिया है. x मतलब ये रहेगा x इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ टू पुली. सो x इज 1500 mm. ये डाटा दिया है और क्या निकालना है निकालने हैं T1 T2 या फिर अगेन अलॉन्ग विथ TT1 TT2 देन विड्थ दैट इज बी थिकनेस क्रॉस सेक्शन एरिया भी उसमें आ गया सपोज बी इंटू टी आ गया तो एंड यस लेंथ एल. इतना सब कुछ डाटा आपको निकालना है. ओके सो लेट अस कंसीडर T1 T2 एज अ बेल्ट टेंशन इन टाइट साइड एंड स्लैक साइड एज यूजुअल. तो हमें पता है जो लेंथ रहेगी ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए बेल्ट लेंथ का रिलेशन हमने देखा था. सो फॉर क्रॉस बेल्ट ड्राइव लेंथ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डायमीटर एज लेंथ एल इक्वल टू पाई बाय टू इन ब्रैकेट D1 प्लस D2 प्लस 2x प्लस D1 प्लस D2 ब्रैकेट स्क्वायर
बाय 4x। ये रिलेशन रेडियस के फॉर्म में भी अवेलेबल है लेकिन डायमीटर हमारे पास में है, सो वी कैन इजीली यूज दिस इक्वेशन एंड एज वेल एज कैलकुलेट दिस वन। सो लेंथ विल बी पाई बाय 2, डी वन कितना है 250, डी टू कितना है 500। हम एमएम में यूज करें, लेटर ऑन वी कैन कन्वर्ट लेंथ इन मीटर प्लस 2। एक्स कितना है, एक्स इज 1500 प्लस डी वन प्लस डी टू स्क्वायर, सो दैट मीन्स 250 प्लस 500 ब्रैकेट स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्स इज 1500। सो हियर लेंथ विल बी ऑब्टेंड एंड इट शुड कम आउट 4271.84 mm। तो मीटर में कितना हो गया 4 पॉइंट समथिंग, सो 4.271 मीटर। तो ये आ गई लेंथ, ओके एक आंसर हो गया आपका, लेंथ आ गई। नाउ लेट अस प्रोसीड, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या है, थीटा। थीटा है क्या हमारे पास में, नहीं, इस न्यूमेरिकल में थीटा गिवन नहीं है, बट थीटा कैन बी ऑब्टेंड एंड द रिलेशन फॉर थीटा इज 180 प्लस ट्वाइस अल्फा। दिस इज फॉर क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव, यही रिलेशन ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए है, 180 माइनस ट्वाइस अल्फा। ओके ये काय के लिए, ओपन बेल्ट के लिए, लेकिन ओपन बेल्ट के लिए जो दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की उसमें हर बार थीटा गिवन था, इसलिए इस फॉर्मूले का काम ही नहीं पड़ा। तो अगर ओपन बेल्ट ड्राइव है तो थीटा का जो फॉर्मूला है डिग्री में ही 180 माइनस 2 अल्फा, और अगर क्रॉस बेल्ट है तो 180 प्लस 2 अल्फा, वेयर अल्फा का भी फॉर्मूला है। अल्फा क्या है एक्चुअली, अल्फा देखो आपको डायग्राम दिख रही है, ये सपोज डी वन मतलब स्मॉलर पुली है, ये बिगर पुली है डी टू। यहाँ पे जैसे बेल्ट का जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट रहेगा यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा, ओके मैं सपोज यहाँ पे पॉइंट लिख दे रहा हूँ ई एंड एफ। तो वर्टिकल के साथ में जो एंगल हो रहा है इसका, दैट एंगल इज अल्फा, या फिर यहाँ पे भी ये जो एंगल हो रहा है दिस इज एंगल अल्फा, ओके दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एंगल अल्फा। एंड फॉर द अल्फा देर इज अ रिलेशन साइन अल्फा, मतलब अल्फा कैसे निकलते हैं, सो साइन अल्फा इज व्हाट, आर वन प्लस आर टू बाय एक्स, यस आर वन प्लस आर टू बाय एक्स। तो इस हिसाब से हम आर वन आर टू निकाल सकते हैं, सो 250 डायमीटर डी वन है तो आर वन कितना हो जाएगा 125 प्लस आर टू 500 है तो ये हो जाएगा 250 एंड एक्स इज वॉट 1500। तो इस हिसाब से साइन अल्फा कितना आएगा चेक करो, 125 प्लस 250 बाय 1500 ये आना चाहिए, साइन अल्फा इज 0.25। अब साइन अल्फा आपका 0.25 है, सो ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन इजीली कैलकुलेट अल्फा, सो अल्फा इज वॉट साइन इनवर्स ऑफ 0.25, तो अल्फा आना चाहिए 14.47। क्या हो गया ये डिग्री। तो अभी हमने पहले प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था, थीटा इज व्हाट 180 प्लस ट्वाइस अल्फा क्रॉस बेल्ट के लिए, और ये क्रॉस बेल्ट का ही न्यूमेरिकल है, हेंस थीटा इज 180 प्लस ट्वाइस अल्फा, सो अल्फा इज 14.47। तो यहाँ पे थीटा होगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा वेरी हो सकता है, चेक कर लेना आपने एक बार। सो 208.51 डिग्री ये आना चाहिए आपका थीटा, 208 पॉइंट समथिंग और 209 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हो गया डिग्री में,
यू नो वेरी वेल हम थीटा जो यूज करेंगे वो रेडियन में यूज करेंगे. सो थीटा इज इक्वल टू 208 पॉइंट समथिंग अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज इन टू पाई बाय 180. तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी अराउंड 4 रेडियन और 3 पॉइंट समथिंग. मेरे आंसर थोड़े से वेरी हो गए एज पर कैलकुलेशन, या जैसे मेरा आंसर इससे पहले 3.39, तो ये नहीं रहेगा शायद, 3.39 से ज़्यादा ही रहेगा. तो अप्रोक्सीमेटली हमने पकड़ लिया 4 रेडियन. यू गो विद द एक्चुअल कैलकुलेशन एज पर योर कैलसी. ओके, सो फॉर दिस कैलकुलेशन वी आर कंटिन्यूइंग विद थीटा एज 4 रेडियन. तो 4 रेडियन अगर लेते हैं हम, सॉरी 3.39 रेडियन अगर ले रहे हैं, तो आई रिपीट माय कैलकुलेशन एंड योर कैलकुलेशन मे वेरी विद अ वेरी स्मॉल डिफरेंस. सो गो विथ योर कैलकुलेशन, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, मतलब 208 है तो यहाँ पे 3.39 से वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी. इट मे कम 3.95 और अराउंड 4 रेडियन. ओके, सो सपोज अगर 3 रेडियन आ रहा है थीटा आपका, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. ओके, तो थीटा आ गया. नाउ बेल टेंशन का रिलेशन हमें पता है, T1 by T2, या फिर वो भी एक है पावर वाला, P is equal to T1 minus T2 into V, या फिर दूसरा वाला T1 by T2 is equal to E raised to mu theta, एक रिलेशन है. सो प्रोसीडिंग सेम वन, T1 by T2 equal to E raised to mu कितना है 0.3 into theta कितना आया, जो वैल्यू अब की आएगी वो सपोज यहाँ पे 3.39 है. सो यहाँ पे T1 by T2 ये जो रिलेशन है ये आ रहा है 2.7648. सपोज इक्वेशन नंबर 1. ओके, एंड पावर इक्वेशन हमें पता है P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी. तो अगेन यहाँ पे पावर दिया है, T1 T2 नहीं है और वेलोसिटी निकल सकते, बट V इज इक्वल टू पेरिफेरल वेलोसिटी इज गिवन बाय पाई डी एन बाय 60. सो पाई डायमीटर कितना है, अब डायमीटर कौन सा लेना है, फर्स्ट पुली का लेना है. ओके, सो डायमीटर लेंगे हम 250 mm, सो 0.25 इंटू N is 1000 given है डायग्राम में दिया था, डिवाइड बाय 60. तो वेलोसिटी आनी चाहिए 13.09 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी आ गई, पावर का इक्वेशन कंटिन्यू करो. हैंस पावर कितना था 7.5. सो 7.5 इंटू 10 रेस टू 3 इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी कितनी थी, V क्या है 13.09. सो यहाँ पे T1 माइनस T2 के लिए आपको वैल्यू मिल सकती है, दैट कैन बी द इक्वेशन. सो T1 माइनस T2 विल बी 572.96. ओके, सो ये इक्वेशन सपोज 2. नाउ here you can see T1 by T2 and T1 minus T2. तो ये दोनों इक्वेशन इजीली सॉल्व हो सकते हैं. ओके, अगर मैं इक्वेशन 1 को थोड़ा सा प्रोसीड करूँ, इक्वेशन 1 को, सो T1 कैन बी T1 by T2 इज 2.7648, इक्वेशन 1 देखो. सो T1 इक्वल टू 2.7648 इंटू T2. अगर T1 कि ये वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में अगर रखता हूं, तो इक्वेशन 2 प्रोसीड. सो क्या था T1 मतलब 2.7648 ना, 7648 T2 माइनस T2 इक्वल टू 572.96. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको T2 मिल जाएगा और बाद में T1 मिल जाएगा. तो T2 आना चाहिए 324.64. तो
तो ये आया आपका टी टू, और इक्वेशन टू में फिर से आपने टी टू रख दिया, टी वन माइनस टी टू का इक्वेशन है हमारे पास में, ओके टी वन माइनस टी टू इज 572.96, सो टी वन विल बी 572 प्लस टी टू, तो टी वन आना चाहिए 897, दैट मीन्स 572.96 प्लस 324.64, तो टी वन आना चाहिए 897, टी वन इज 897.60, तो ये आ गई आपकी टी वन की वैल्यू। दिस वे टी वन एंड टी टू अपने दोनों के दोनों कैलकुलेट किए। नाउ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन दैट इज टी सी, क्या है एम वी स्क्वायर, मास है हमारे पास में ओके और वेलोसिटी है, सो टी सी इज 0.55, कितना था मास, कितना है हमारे पास में, यस यस बराबर है 0.55 इंटू वेलोसिटी इज 13.09 इसका स्क्वायर, सो टी सी मिल जाएगा सीधा सीधा, और टी सी आना चाहिए 94.24। टी सी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन दैट इज न्यूटन, ओके तो ये आ गया आपका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ओके नाउ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था कैलकुलेट बेल टेंशन, तो हमने टी वन टी टू निकाल दिया ओके और इसी हिसाब से हम टी टी वन टी टी टू भी निकाल सकते हैं, चलो वो भी निकाल लेते हैं बाद में, लेंथ और विड्थ ये भी दोनों निकालना था, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड क्या था, टी टी वन इज टी वन प्लस टी सी, सो टी वन इज 897.60 और टी सी कितना है 94.24, तो टी टी वन आना चाहिए 991.84 न्यूटन एंड मैक्सिमम टेंशन, और यू कैन राइट मिनिमम टेंशन इन स्लैक साइड, बट स्लैक साइड में जो टेंशन है तो वो मैक्सिमम ही है, भले जो टेंशन इन स्लैक साइड है वो इससे कम ही रहेगा, सो यू कैन टर्म इट एज मिनिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन इन स्लैक साइड, एक्चुअली एक ही साइड में दो अलग अलग टेंशन नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि मिनिमम टेंशन इन स्लैक साइड एंड मैक्सिमम टेंशन इन स्लैक साइड, इट इज अ सिंगल टेंशन अवेलेबल, सो मैक्सिमम टेंशन इन स्लैक साइड इज टी टी टू, क्या फॉर्मूला रहेगा टी टू प्लस टी सी, सो इट विल बी टी टू कितना था 324.64 और टी सी कितना है 94.24, तो ये आएगा टेंशन इन टाइट साइड इज 418.88 न्यूटन, ओके तो टेंशन इन स्लैक साइड एंड टेंशन इन टाइट साइड, ओके तो टेंशन्स हो गए टी वन टी टू टी टी वन टी टी टू। नाउ द डायमेंशंस, फॉर्मूला मास के लिए क्या था, मास इज व्हाट, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, जो मास दिया है वो पर मीटर के लिए दिया है, सो इट इज 0.55 केजी, एरिया इज विड्थ इंटू थिकनेस इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, ओके सो 0.55 इक्वल टू विड्थ, पता नहीं सपोज जैसे थिकनेस भी नहीं है तो दोनों डायमेंशन नहीं निकलेंगे, सो एज्यूम थिकनेस इज 10 mm, ओके ये हमने एज्यूम किया, सो 10 इंटू लेंथ 1 meter, सो सीधा सीधा 1000 हो गया, रादर
जैसे डेंसिटी क्या है केजी पर मीटर क्यूब, तो सभी डायमेंशन हमें मीटर में यूज़ करने पड़ेंगे, तो हमें जो थिकनेस है वो भी हमें मीटर में यूज़ करना है, ये हम एमएम में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यूनिफॉर्मली डायमेंशन यूज़ करने पड़ेंगे हमें, इक्वल टू बी निकालना है, थिकनेस हमने 10 mm एज्यूम किया, सो 10 बाय 1000 0.001, लेंथ इज 1 मीटर, क्योंकि जो मास हमने यूज किया है 0.55 kg पर मीटर एक मीटर के लिए, इसलिए हमने लेंथ को 1 पुट अप किया 1, और डेंसिटी भी नहीं दी है, तो डेंसिटी हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू, सपोज 1000 kg पर मीटर क्यूब, सो 1000, ओके। एक्चुअली क्वेश्चन में दिया नहीं है डेंसिटी भी, तो उसको एज्यूम किया हमने, तो इन दिस वे आप विड्थ निकाल सकते हो, और विड्थ आना है 12.88, ओके 12.88, तो ये एमएम में आ रहा है, तो मतलब मीटर में जो कुछ भी आएगा बी इज इक्वल टू 0.00001288 मीटर, तो ये हो गया सपोज 12.88 mm, ओके। तो ये आ गई आपकी विड्थ, थिकनेस है हमारे पास 10 mm, विड्थ आ गई 12.8 mm, ऑन द बेसिस ऑफ सेम वी कैन कैलकुलेट एरिया एज वेल, एरिया इज विड्थ इनटू थिकनेस, ठीक है, निकाल सकते हैं। सो जैसे 12.88 इंटू 10 अगेन, सो 128 पॉइंट समथिंग, ये mm स्क्वायर हो गया आपका एरिया। सो इंडिविजुअल डायमेंशन लाइक विड्थ कितनी है, थिकनेस हमने एज्यूम किया है, ओके, और बाकी सब टेंशन भी हमने कैलकुलेट की है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस न्यूमरिकल, आई होप आपको समझ में आ गया, ये एक ही न्यूमरिकल है जो हमने क्रॉस बेल्ट के लिए सॉल्व किया है, जहाँ पे जो हमने थीटा वाला फॉर्मूला स्पेसिफिकली यूज किया था, यस दिस वन, ओके। सो ओपन बेल्ट के लिए भी याद रखना है कि 180 माइनस ट्वाइस अल्फा, वेयर अल्फा क्या है, अल्फा ये वर्टिकल के साथ में बेल्ट का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा उसके बीच वाला एंगल, ये थीटा, ओके। जैसे ये एक्सिस है और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है बेल्ट का यहाँ पे, तो वर्टिकल के साथ में ये एंगल ये रहेगा आपका अल्फा। सो ओपन बेल्ट के लिए बस यही फॉर्मूला 180 माइनस टू अल्फा है, और क्लोज के लिए 180 प्लस 2 अल्फा है, और अल्फा क्या है, अल्फा गिवन बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू बाय एक्स, ओके। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस वन, एंड द फाइनल डायमेंशन फॉर विड्थ इज 12.88 mm, ओके। वी विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट अ न्यू कंसेप्ट, थैंक यू।